ये बेजान नहीं, ये बलिदान है। कसम खुदा की, अगर आदम ने गेहूं को खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। आपको दुनिया का नक्शा बताओ, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कोई मुल्क तो था नहीं, एरिया था। किस एरिया में आए? ये कहते हैं ये पूरा एरिया अरब है, उसको कहते हैं ये पूरा एरिया यूरोप है। अब यूरोप में इंग्लैंड भी है, हॉलैंड भी है, बेल्जियम भी है, जर्मनी भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बोस्निया भी है, फ्रांस भी है, डेनमार्क भी है, सब यूरोप है, मुल्क अलग अलग है। ऐसे ही ये हिंदुस्तान, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता था, उसमें नेपाल भी था, उसमें कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी था, उसमें पूरा पाकिस्तान था, पूरा बांग्लादेश, पूरा बर्मा, पूरा श्रीलंका, ये सब मिलकर हिंदुस्तान था। बाद में नेताओं ने टुकड़े कराने शुरू किए, कुछ इधर गिरे, कुछ इधर गिरे, मगर आदम जहाँ आए उसका नाम हिंदुस्तान है। बड़े सदी हिंद पर आदम का पहला कदम पड़ा। अरब में नहीं आए, यूरोप में नहीं भेजा, अरब ने अमेरिका नहीं भेजा, भेजा तो उप महाद्वीप भारत में, और वो भारत आज का भारत नहीं, अखंड भारत, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका।